हिंदू धर्म में सावन के महीने को बेहद पवित्र महीना माना गया है। साथ ही यह पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन माह में शिव भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान शंकर की पूजा अर्चना और उपासना करते हैं। वहीं इस माह में सोमवार का व्रत रखना भी बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति सावन माह में भगवान शिव की पूजा करता है और सोमवार के दिन का व्रत रखता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और घर में सुख शांति का आगमन होता है। उत्तराखंड के नैनीताल निवासी पंडित प्रकाश जोशी बताते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। वही सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित होता है। ओम नमः शिवाय। ये सावन का महीना जो है भगवान भोलेनाथ का प्रिय है, इसलिए और सोमवार का दिन जो है वो भी भोलेनाथ को समर्पित है, इसलिए जो सावन के सोमवार व्रत लिए जाते हैं वो सावन के महीने से ही प्रारंभ किए जाते हैं। इसमें यह है, इसमें धन वैभव कई प्रकार के, भोलेनाथ ऐसे हैं कि कोई भी फल तुरंत दे देते हैं। इसमें जो है सोमवार व्रत जो है वो कम 21 वर्ष तक करने चाहिए। वैसे यदि इतना संभव न हो तो 12 वर्ष तक करें, यदि 12 वर्ष तक भी संभव नहीं है तो 1 वर्ष तक कम से कम, इसके अतिरिक्त यदि इतना भी संभव नहीं है तो कम से कम 16 सोमवार के व्रत करने चाहिए। सोमवार जो है सावन के महीने से ही ये प्रारंभ ये व्रत किए जाते हैं, क्योंकि सावन का महीना ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। क्योंकि पार्थिव पूजन, शिवार्चन, जितने भी महामृत्युंजय मंत्रों का जप आदि, यही सावन के महीने में होते हैं। और सोमवार जो है भगवान भोले शंकर का प्रिय वार है, उन भोले शंकर को समर्पित है ये वार। इंदुवासरे कहा गया है सोमवार को, चंद्रवार या इंदुवासरे संस्कृत में इसको बोला जाता है। सोमवार व्रत में जो है इसके नियम में यह है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो है कहीं स्नान सरोवर में या नदी के समीप स्नान करें, यदि इतना संभव नहीं है तो घर में ही जो स्नान का जल है उसमें जरा गंगा जल मिला के स्नान करें। तदुपरांत भगवान किसी शिव मंदिर में जाके भगवान भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन करें, उनको कच्चा दूध, गाय का दूध चढ़ाएं और जल जो है गंगा जल, यदि संभव है तो गंगा जल उनको, और इसके अतिरिक्त बिल्वपत्र 108 बिल्वपत्र यदि संभव है तो 108 बिल्वपत्र चढ़ाएं उन्हें, और जो है इस तरीके से विधि विधान से षोडशोपचार उनको, क्योंकि कुंवारी कन्याओं के लिए ही नहीं, हर किसी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति को धन आदि की समस्या हो रही है, धन नहीं रुक रहा है उसके पास, तो इसके लिए भी, क्योंकि भोलेनाथ जो हैं तुरंत फल देने वाले हैं, इनमें हर प्रकार की उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। नैनीताल से तनुज पांडे की रिपोर्ट।